प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से वायदा किया था कि हिंदुस्तानी जल्द ही जापान की तरह बुलेट ट्रेनों में सफर करेंगे। मोदी सरकार का ये वादा जल्द ही धरातल पर उतर आएगा। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे गुजरात में मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मुंबई अहमदाबाद के बीच की दूरी 508 किलोमीटर है, जिसे शताब्दी ट्रेन आज 7 घंटे में पूरी करती है, लेकिन यही दूरी बुलेट ट्रेन मात्र 2 घंटे में पूरी करेगी। डीडी की टीम ने खुद जापान का दौरा किया और देखा किस तरह लोहे की पटरियों पर जहाज हवा से बात कर रहा है। ट्रेन में और कई तरह की खूबियां हैं, सेंसर हैं, एक्सीडेंट से बचने के लिए सेंसरों का प्रयोग किया गया है, लाइट के। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से वायदा किया था कि हिंदुस्तानी जल्द ही जापान की तरह बुलेट ट्रेनों में सफर करेंगे। मोदी सरकार का ये वादा जल्द ही धरातल पर उतर आएगा। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे गुजरात में मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मुंबई अहमदाबाद के बीच की दूरी 508 किलोमीटर है, जिसे शताब्दी ट्रेन आज 7 घंटे में पूरी करती है, लेकिन यही दूरी बुलेट ट्रेन मात्र 2 घंटे में पूरी करेगी। डीडी की टीम ने खुद जापान का दौरा किया और देखा किस तरह लोहे की पटरियों पर जहाज हवा से बात कर रहा है। ट्रेन में और कई तरह की खूबियां हैं, सेंसर हैं, एक्सीडेंट से बचने के लिए सेंसरों का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से वायदा किया था कि हिंदुस्तानी जल्द ही जापान की तरह बुलेट ट्रेनों में सफर करेंगे। मोदी सरकार का ये वादा जल्द ही धरातल पर उतर आएगा। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे गुजरात में मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मुंबई अहमदाबाद के बीच की दूरी 508 किलोमीटर है, जिसे शताब्दी ट्रेन आज 7 घंटे में पूरी करती है, लेकिन यही दूरी बुलेट ट्रेन मात्र 2 घंटे में पूरी करेगी। डीडी की टीम ने खुद जापान का दौरा किया और देखा किस तरह लोहे की पटरियों पर जहाज हवा से बात कर रहा है। ट्रेन में और कई तरह की खूबियां हैं, सेंसर हैं, एक्सीडेंट से बचने के लिए सेंसरों का प्रयोग किया गया है,